नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। जलापूर्ति से संबंधित शिकायत के लिए यहां कड़ी संपर्क। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षक और छात्र होंगे सम्मानित। बिहार में किसे मिलेगी कितनी सीट, सर्वे में सामने आया आंकड़ा। ताजमहल पहुंची वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के 50,000 पदों पर भर्ती। शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में 50,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के पदों पर निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार 29 अगस्त 2023 तक sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने न्यूनतम 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र धारक, स्काउट गाउड, NCC या NYK सर्टिफिकेट होल्डर, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, पूर्व बजट घोषणा में चयनित गांधी सेवा प्रेरक एवं महिला SHG को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार शांति एवं अहिंसा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट peaceandnonviolence.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। बीपीएसएससी बिहार पुलिस SI मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बीपीएसएससी बिहार पुलिस SI मुख्य परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के द्वारा सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन और सब डिवीजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की मुख्य परीक्षा के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में वे उम्मीदवार जो इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं, वे बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bpssc.bih.nic.in/default.stm पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस दौरान उम्मीदवार को अपनी पंजीकरण ID या मोबाइल नंबर और जन्म तिथि की जरूरत पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 3 सितंबर 2023 को होने वाला है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अनामिका के बारे में। अनामिका का जन्म आज ही के दिन 1961 में हुआ था। यह एक हिंदी की कवित्री हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। माई टाइप राइटर इज माई पियानो उनका अंग्रेजी में अनुवादित कविताओं का संग्रह है। वह अपनी नारीवादी कविता के लिए जानी जाती हैं। यह आधुनिक समय में हिंदी भाषा की प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इन्हें समकालीन हिंदी कविता के चंद सर्वाधिक चर्चित कवित्रियों में शामिल किया जाता है। बता दें कि उनकी कविताओं का अनुवाद विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में हुआ है। बिहार समेकित मुर्गी विकास योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार सरकार की तरफ से समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके लिए आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। मालूम हो कि इसके लिए विज्ञापन का प्रकाशन 15 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, यानी कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 30 दिनों के लिए है। ऐसे में इच्छुक लोग इसके लिए आवेदन करने के लिए https://state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान के रूप में 10,000 रुपए तो वहीं 5,000 रुपए मुर्गी क्षमता हेतु दिए जाते हैं। मालूम हो कि लाभुकों को चयन क्रमशः स्वलागत एवं प्रशिक्षण को देखते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इससे जुड़ी विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षक और छात्र होंगे सम्मानित। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सके, इसके लिए बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा सभी DEO को निर्देश जारी कर यह जानकारी दी गई है कि अब शिक्षा विभाग राष्ट्रीय और शिक्षा पुरस्कार के अलावा प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार देगा, जो कि अलग अलग श्रेणी में कुल 4 बार दिए जाएंगे, जिसमें पहली बार 26 जनवरी को, दूसरी बार 15 अगस्त
अगस्त को, तीसरी बार गांधी जयंती को और चौथी बार शिक्षक दिवस पर। ऐसे में इस पुरस्कार के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अपने स्तर से प्रत्येक श्रेणी के लिए जिले की प्राथमिक, मध्य, उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कम 10-10 नामों की सूची डीएम को देने का काम करेंगे, जिसके बाद डीएम की अनुशंसा के बाद विभाग के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मुजफ्फरपुर की बेटी को राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा। 30 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति के द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत अम्मा गांव निवासी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में प्रतिनिधि समाज सेवी संतोष कुमार व अर्चना की पुत्री लेखिका मिस्टीन इंडिया व महिला सशक्तिकरण कार्यकर्ता जानवी को माता पिता सहित बुलावा भेजा गया है। बता दें कि निमंत्रण जानवी को राष्ट्रपति के निजी सचिव द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजा गया। ऐसे में अब जानवी के परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 वर्षीय जानवी को संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका द्वारा लगातार 3 वर्षों तक उनकी लैंगिक समानता, सेक्सुअल राइट्स जैसे गंभीर मुद्दों पर मुखरता देखते हुए सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही जानवी को भारत विकास परिषद के द्वारा मानद सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है। जहरीली शराब से मौत पर मुआवजा के नियम में हुआ बदलाव। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के द्वारा जहरीली शराब से हुई मौत पर दी जाने वाली मुआवजे की राशि को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होने पर भी मुआवजे की राशि दी जाएगी। दरअसल ऐसा होने पर विभाग के चौकीदार या अन्य लोगों से जांच पड़ताल करने के बाद मुआवजे की राशि दी जाएगी। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा इस नए प्रावधान को जोड़े जाने पर जहरीली शराब मौत पर मुआवजा राशि मिलने में हो रही समस्याओं से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही मंत्री के द्वारा शराबबंदी पर कहा गया कि विभाग की ओर से शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 72 लोगों को मुआवजे की राशि मिल चुकी है। वहीं आने वाले अगले 2 हफ्ते में सारे पेंडिंग केस को निपटा दिए जाएंगे। बिहार के इस जिले में 16 अगस्त को भी मनाया गया आजादी का जश्न। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन बिहार में एक ऐसा जिला है जहां 16 अगस्त को भी आज़ादी का जश्न मनाया जाता। बता दें कि हम जिस जिले की बात कर रहे हैं वह बक्सर जिला है, जहां बक्सर के डुमराव गांव में 16 अगस्त को भी शहीदों की याद में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे की कारण डुमराव के 4 शहीदों की कहानी है, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को आज़ाद करवाने में अपनी भूमिका निभाई है। दरअसल 1942 में 16 अगस्त को महात्मा गांधी के आह्वान पर डुमराव के क्रांतिकारियों के द्वारा डुमराव थाने पर तिरंगा फहराया गया था। इसी क्रम में अंग्रेजी सिपाहियों के द्वारा गोली चलाई गई, जिससे कि क्रांतिकारी जख्मी हो गए, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिए। इसी गोलाबारी में 4 सपूत कपिल मुनि प्रसाद, गोपाल जी, रामदास सोनार और रामदास लोहार शहीद हो गए। इन्हीं की याद में हर साल 16 अगस्त को इनको और इनके वंशज को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। पंचतत्व में विलीन हुए विंदेश्वर पाठक। 15 अगस्त के मौके पर सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने अपनी अंतिम सांस दिल्ली के एम्स में ली थी। दरअसल 15 अगस्त को झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। वहीं बीते दिन दोपहर 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को लोधी रोड शमशान घाट लाया गया और फिर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि उन्हें मुखाग्नि उनके पुत्र दिलीप कुमार के द्वारा दी गई। इस दौरान उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। सभी ने नम आंखों के साथ डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को अंतिम विदाई दी। इस दौरान बक्सर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत कई दलों के नेताओं के द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मंडन धाम के बारे में। मंडन धाम सहरसा जिले के महिषी गांव में स्थित है। यह 8वीं शताब्दी के महान विद्वान और तत्वज्ञानी पंडित मंडन मिश्रा के जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। इस स्थान के साथ एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पंडित मंडन मिश्रा अपनी पत्नी भारती के साथ भारतीय तत्वज्ञान में बहुमूल्य योगदान दिया, जो कि आदि शंकराचार्य के वरिष्ठ समकालीन थे। सनातन धर्म के प्रचार के लिए आदि शंकराचार्य ने मंडन के साथ दार्शनिक बहस के लिए महिषी का दौरा किया था। मंडन धाम में कई बहुमूल्य पुस्तक भी है, जैसे ब्रह्म सिद्धि, मीमांसा अनुक्रामिका और विधि विवेक, जो कि मंडन द्वारा रचित है। इस धाम पर विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, विशेष रूप से दक्षिण भारत के लोग। मंडन धाम विद्वानों की कर्म भूमि रही है और यहाँ जाना अपने आप में गर्व की बात होगी। बिहार में पहली बार होगा विशाल वैदिक सम्मेलन।
बिहार की राजधानी पटना के महाराणा प्रताप भवन में 17 से 19 अगस्त तक महावीर मंदिर और उज्जैन के महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में विशाल वैदिक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और मणिपुर के लगभग 100 से ज्यादा वेद गुरु जुटेंगे। बता दें कि सम्मेलन की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से होगी, जो कि 17 अगस्त को महावीर मंदिर से निकाली जाएगी। मालूम हो कि महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि दानापुर में महावीर मंदिर की ओर से एक वेद विद्यालय खोला जाएगा, जिसमें वेद के साथ व्याकरण और ज्योतिष शास्त्र आदि की पढ़ाई करवाई जाएगी। बता दें कि सम्मेलन में 4 वेदों का सस्वर पाठ किया जाएगा। जेईई नीट की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी के लिए आवासन सहित निःशुल्क शिक्षण, निःशुल्क आवासन एवं अन्य व्यवस्था प्रदान करने के संबंध में बिहार बोर्ड के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी गई है। दरअसल इसके लिए आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 21 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। बता दें कि आवेदन किए जाने के बाद बोर्ड के द्वारा 23 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और फिर इस परीक्षा का आयोजन 27 अगस्त को किया जाएगा। इसलिए विज्ञप्ति और रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार https://coaching.biharboardonline.com पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके 12वीं में साइंस और मैथ्स में कम से कम 80 मार्क्स आए हों और दोनों विषयों को मिलाकर 200 अंकों में कम से कम 170 अंक प्राप्त हो। जलापूर्ति से संबंधित शिकायत के लिए यहां करें संपर्क। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा सबके लिए पर्याप्त जल की सतत आपूर्ति के तहत प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए 70 लीटर जल उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और रासायनिक फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, बैक्टीरिया संक्रमण से मुक्त होती है। इसके तहत पूर्ण दबाव के साथ जलापूर्ति की जाती है, जिससे एक मिनट में 10 से 12 लीटर की बाल्टी में पानी भर जाए और इस पानी का उपयोग सिर्फ पीने, खाने, पकाने व दैनिक उपयोग के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और आपको जलापूर्ति से संबंधित कोई शिकायत है तो पंप हाउस पर रखे शिकायत पंजी में दर्ज करें अथवा अपने क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल से संपर्क कर सकते हैं। वहीं योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और साथ ही शिकायत के लिए भी टोल फ्री नंबर 1800-123-1121 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शराब का ऑर्डर फिर होम डिलीवरी। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। एक तरफ जहां इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही, तो वहीं दूसरी ओर शराब तस्कर तस्करी के लिए आए दिन नए नए तरीकों का निजात करते नजर आते हैं। बता दें कि ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह और इकरामुल हक के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी करते हुए 3 तस्कर को विदेशी शराब, बियर और नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए ये शराब तस्कर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बुधवार और शुक्रवार की रात 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच छतौनी थाना क्षेत्र के मंजर नसीम हॉस्पिटल के पास शराब की होम डिलीवरी करने का काम करते थे। प्रदेश में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब बारिश से इनकार किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना से इनकार किया गया है। हालांकि विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह भी बताया गया है कि प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि 19 अगस्त से एक बार फिर से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 17 और 18 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मिड डे मील के अनाज के बोरों को बेच शिक्षक भरेंगे सरकारी खजाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अब राज्य के हर सरकारी स्कूलों में आने वाले मिड डे मील के अनाज के बोरों को जो रखा जाता है उसे हेडमास्टर के द्वारा 20 रुपए प्रति बोरा के हिसाब से बेचना होगा और फिर उससे मिले पैसे को हेडमास्टर के द्वारा जिला में भेजा जाएगा और फिर जिला स्तर से इस सारे पैसे को सरकारी खजाना में जमा कराया जाएगा। इस दौरान हेडमास्टर पर निगरानी भी रखी जाएगी कि वो बोरा
घोड़ा बेच रहे हैं या नहीं। मालूम हो कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्रा के द्वारा सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार के द्वारा कहा गया था कि इन बोड़ों को 10 रुपए में बेचना है, लेकिन अब सरकार के द्वारा इसकी कीमत बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई है। सुपौल की बेटी का रग्बी फुटबॉल टीम में चयन। बिहार की बेटी किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, यह सभी जानते हैं। इसी कड़ी में बिहार की एक और बेटी ने राज्य का नाम रोशन कर दिखाया है। बता दें कि हम बात कर रहे हैं बिहार के सुपौल के पिपरा प्रखंड अंतर्गत निर्मली पंचायत के वार्ड एक निवासी पवन कुमार शाह की 16 वर्षीय बेटी अंशु कुमारी की, जो भागीरथ माध्यमिक उच्च विद्यालय निर्मली में 10वीं कक्षा की छात्रा है। मालूम हो कि अंशु कुमारी का चयन चीन के ताइपे में 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में खेलने के लिए भारतीय टीम की ओर से हुआ है। ऐसे में अब अंशु कुमारी उड़ीसा में 20 अगस्त से शुरू होने वाली 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए 17 अगस्त को रवाना होने वाली हैं। मालूम हो कि अंशु कुमारी का नाम रग्बी एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई 29 गर्ल्स खिलाड़ियों की सूची में 6वें स्थान पर रखा गया है। बिहार के जमालपुर स्टेशन पर तेल से भरी मालगाड़ी में लगी आग। बीते दिन बिहार के मुंगेर स्थित जमालपुर स्टेशन पर पूर्व रेलवे के मालदा मंडल अंतर्गत मॉडल रेलवे स्टेशन जमालपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजर रही कच्चे तेल से भरी 52 बोगी वाले वैगन टैंक के एक ऑयल टैंक के ढक्कन में आग लग गई, जिसके बाद जैसे ही उस पर यात्रियों की नजर पड़ी प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यात्रियों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरपीएफ के द्वारा तुरंत गाड़ी के गार्ड और ड्राइवर को इसकी सूचना देकर गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकवाया गया और आग बुझाने में जुट गए। हालांकि इस दौरान अच्छी बात यह रही कि किसी प्रकार की जानमाल को कोई क्षति नहीं पहुंचा। फेक मोबाइल ऐप को लेकर IRCTC ने जारी किया अलर्ट। IRCTC एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से यात्रियों को ट्रेन की टिकट बुकिंग करने में काफी आसानी होती है। इसके साथ ही इससे यात्रियों को अलग अलग तरह की सीट ईट ट्रेन ऑप्शन की भी जानकारी मिलती है, लेकिन इन सब के बीच कुछ दिन पहले की खबर सुनने को मिली थी कि IRCTC के कई फर्जी ऐप बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर अब IRCTC की ओर से अपने उपभोक्ताओं को अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें IRCTC की ओर से कहा गया है कि उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ऑफिशियल रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप ही डाउनलोड करें और ऐसे जालसाजों से खुद को बचाएं। बिहार में किसे मिलेगी कितनी सीट, सर्वे से सामने आया आंकड़ा। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, ऐसे में अब यह देखा जा रहा है कि किसके पास कितनी सीटें जाएंगी, जिसका पता लगाने के लिए पिछले महीने 2 सर्वे कराया गया था, जो कि TNN और इंडिया TV CNX द्वारा करवाया गया था। बता दें कि इसमें से TNN के सर्वे से मिले आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को बिहार की 40 सीटों में से 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं, वहीं NDA को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 0। वहीं CNX के द्वारा किए गए सर्वे से निकले आंकड़ों के अनुसार RJD को 7 सीटें मिल रही हैं, वहीं BJP को 20, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU को 7, कांग्रेस के 2, LJP को 2, RLJP को 1 और हम को 1 सीट मिल रही है। मोदी कैबिनेट में इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीते दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में PM ई बस सेवा, डिजिटल इंडिया परियोजना, विश्वकर्मा योजना और रेलवे के 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बता दें कि PM ई बस सेवा पर 10 वर्षों में 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से केंद्र सरकार की ओर से 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं बाकी बचे शेष राशि राज्यों को देनी होगी। इसके साथ ही बीते दिन हुए इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में 14,903 करोड़ रुपए के व्यय के साथ डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल कार्यों को बढ़ाने वाले कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा तथा उन्हें ऋण सुविधा एवं बाजार पहुंच प्रदान करने में मदद की जाएगी। बता दें कि योजना 13,000 करोड़ की है और इससे 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ मिलेगा। वहीं सबके अलावा बीते दिन भारतीय रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई है, जिस पर करीब 32,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर जोड़ा जा सकेगा। ताजमहल पहुंची वर्ल्ड कप की ट्रॉफी।
5 अक्टूबर से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 12 साल बाद होने जा रहा। ऐसे में इसको लेकर आईसीसी के द्वारा प्रमोशन की तैयारी कर दी गई है। बता दें कि बीते दिन प्रमोशन को लेकर आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ताजमहल पहुंची, जहां ट्रॉफी का वीडियो शूट किया गया। इस दौरान जैसे ही वहां मौजूद लोगों की नजर ट्रॉफी पर पड़ी, सभी लोग ट्रॉफी के साथ सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए ट्रॉफी की तरफ कूद पड़े। हालांकि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से लोगों को संभाला गया और बाद में लोगों को दूर से ही ट्रॉफी के साथ फोटो और वीडियो बनाने की इजाजत दी गई। बता दें कि आईसीसी ट्रॉफी की शूटिंग करीब एक घंटे चली। मालूम हो कि यह ट्रॉफी 10 देशों से होते हुए भारत पहुंची है। इस ट्रॉफी को लग भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मदन लाल ढिंगरा को 1909 में वायली और लाल काका की हत्या मामले में पेंटोनविली कैद खाने में फांसी दी गई। भारत की आजादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी 1947 को स्वदेश रवाना हुई। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। लोकपाल आंदोलन जेपी पार्क में अनशन जारी रखने की लिखित अनुमति मिलने तक अन्ना हजारे ने 2011 में रिहाई के बावजूद तिहाड़ में ही रहकर अनशन जारी रखा। साहित्य जगत में उपन्यासकार अमृतलाल नागर का जन्म 1916 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 21वें गवर्नर वॉय वी रेड्डी का जन्म 1941 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 20वें गवर्नर विमल जालान का जन्म 1941 को हुआ था। महान स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का निधन 1949 को हुआ था। महान देशभक्त धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी मदन लाल ढिंगरा का निधन 1909 को हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार फादर कामिल बुल्के का निधन 17 अगस्त 1982 को हुआ था। YouTube पर नहीं दिखेंगे अब ऐसे वीडियो। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube गलत जानकारी देने वाले वीडियो को लेकर एक्शन में है। Google के नेतृत्व वाले इस प्लेटफॉर्म ने अनाउंस किया है कि वह कैंसर इलाज से जुड़े वीडियो जो गलत जानकारियों या भ्रामक सूचनाओं से भरे हैं, आने वाले दिनों में YouTube पर नहीं दिखेंगे। कंपनी से अब अपने प्लेटफॉर्म से इन्हें रिमूव कर देगी। YouTube ने कहा है कि वह उस कंटेंट को हटा देगा जो हानिकारक या अप्रभावी साबित हुए कैंसर उपचार को बढ़ावा देती है या जो दर्शकों को प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से हतोत्साहित करती है। खबर के मुताबिक YouTube ने कहा है कि वह अपने दर्जनों ढेरों मौजूदा गलत मेडिकल सूचना गाइडलाइंस को 3 कैटेगरी रोकथाम, ट्रीटमेंट और इनकार के तहत ऑर्डर में लाएगी। IANS की खबर के मुताबिक हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ पार्टनरशिप के निदेशक और वैश्विक प्रमुख डॉक्टर गार्थ ग्राहम ने कहा कि ये पॉलिसी विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों, इलाजों और मटेरियल पर लागू होगी। जहां कंटेंट स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों या विश्व स्वास्थ्य संगठन के उलट है, प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट को हटा देगा जो विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों की रोकथाम और ट्रांसमिशन और रिकमेंडेड वैक्सीन की सिक्योरिटी और इन्फेक्टिव पर स्वास्थ्य प्राधिकरण के गाइडेंस से इनकार करती है। वेलकम, में आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से 6,000 रुपए का ईंधन सब्सिडी उपहार जीतने का मौका। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि आकर्षक लगता है ना, तथापि यह लकी ड्रॉ नकली है। यह एक घोटाला है और इसका इंडियन ऑयल CL से कोई संबंध नहीं है। भारत सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध जानकारी को हमेशा PIB फैक्ट चेक द्वारा चलाएं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है? ऑप्शन ए मणिपुर सरकार, ऑप्शन बी यूपी सरकार, ऑप्शन सी पंजाब सरकार, ऑप्शन डी हरियाणा सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब सरकार। अगला सवाल, हाल ही में किसके सर्वेक्षण के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर बना है? ऑप्शन ए जल जीवन सर्वेक्षण 2023, ऑप्शन बी पर्यावरण सर्वेक्षण 2023, ऑप्शन सी भू सर्वेक्षण 2023, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जल जीवन सर्वेक्षण 2023।
अगला सवाल, हाल ही में इराक देश में किस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा है? ऑप्शन ए ट्रांसजेंडर, ऑप्शन बी होमोसेक्सुअलिटी, ऑप्शन सी इनमें से दोनों नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होमोसेक्सुअलिटी। अगला सवाल, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 40। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 40। अगला सवाल, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी पूर्णिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंगेर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है फातिमा खातून, भान प्रकाश, रंजीत मिश्रा, नन्नू गोलू कुमार, रोशन कुमार सिंह, प्रहलाद कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, गौरव कुमार सिंह, सदुल्लाह पलवी, नंद कुमार सिंह, उदय कुमार पासवान, हलीश्वर कुमार, नौसद अंसारी, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कितने घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।